हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर 1, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम क्लास 10th। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। आज की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में देखने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आइडेंटिफाई किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये होता क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं किस तरीके से इसे आइडेंटिफाई किया जाता है। एक जनरल फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है, दैट इज़ द ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसे हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, यहाँ पे टू वेरिएबल क्यों कहा जाता है, पहले उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन में दिस इज़ नोन एज इक्वेशन इन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे हेडिंग में ही दिख रहा है टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे टू वेरिएबल हम क्यों बोलते हैं, उसे हम पहले देख लेते हैं। एक्स दिस इज़ द वेरिएबल, यहाँ पे वाई दिस इज़ द वेरिएबल, ये भी यहाँ पे वेरिएबल है एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरिएबल हेयर। वाई एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल हियर, यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल हैं। दैट्स वाई यहाँ पे दो वेरिएबल होने की वजह से नाम क्या दिया गया है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी ये लीनियर इक्वेशन क्यों है इसे हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स का जो पावर है एंड वाई का जो पावर है, जो वेरिएबल्स के पावर हैं दैट इज़ ओनली वन। यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रहा है आपको, टू थ्री कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई का पावर क्या है, वन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों वेरिएबल के पावर वन है। जब पावर वन होता है, हाईएस्ट पावर इज़ वन हियर, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के साथ में यहाँ पे पावर वन है, वेरिएबल के पावर कितने हैं, वन है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ यहाँ पे ए टर्म ये क्या है एंड यहाँ पे बी, व्हाट इज़ द बी हियर, ए और बी, दिस इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। एक्स और वाई दिस इज़ वेरिएबल एंड ए एंड बी दिस इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये एक्स और वाई के कोएफिशिएंट हैं, दिस इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल, क्योंकि एक्स के साथ में है। एंड बी दिस इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वाई वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ वाई वेरिएबल। एंड व्हाट इज सी हियर, सी इज़ द कांस्टेंट, दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म। सो इस तरीके से दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे अब हमें पूरे कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा, ए इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल, बी इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ वाई वेरिएबल, सी इज़ द कांस्टेंट हियर एंड एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल हियर। दो वेरिएबल होने की वजह से यहाँ पे नाम क्या दिया गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि पावर हाईएस्ट पावर इज़ वन हियर, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर। अब आगे इसे आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, उसे पहले हम देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, वहाँ पे उस इक्वेशन को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है, इज द इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट, ये हमें आइडेंटिफाई करना है विथ रीजन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम देख लेते हैं 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, दिस इज वन इक्वेशन इज गिवन हियर। ये हमें आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए तीन कंडीशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन इज टू वेरिएबल्स, फर्स्ट कंडीशन टू वेरिएबल्स, वहाँ पे टू वेरिएबल होने चाहिए फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन इज हाईएस्ट पावर इज वन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होना चाहिए। एंड लास्ट कंडीशन इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है वेरिएबल का, 4, यहाँ पे एन का, एन इज़ द वेरिएबल एंड व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एन, दिस इज 3, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ये जीरो नहीं होने चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज़ द लास्ट कंडीशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल नॉट इक्वल टू जीरो, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट जीरो नहीं होने चाहिए।
दिया गया इक्वेशन जो भी इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है कि गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यस और नो, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए तीनों स्टेप्स को हमें कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन कि नहीं ये हमें चेक करना होगा। फर्स्ट टू वेरिएबल्स, पहले हम अपने इक्वेशन में देखते हैं टू वेरिएबल्स यहाँ पे है कि नहीं है इक्वेशन में, 4m एंड 3n, यहाँ पे वेरिएबल m, यहाँ पे वेरिएबल n, दोनों तरफ में दो वेरिएबल हैं, मतलब m भी है n भी है, दो वेरिएबल हैं, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, यहाँ पे वेरिएबल m का पावर क्या है 1, यहाँ पे वेरिएबल n का पावर क्या है 1, सो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाई बाय दिस इक्वेशन। लास्ट कंडीशन इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल हियर, व्हाट इज द वेरिएबल m, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल m हियर, दैट इज 4, ये इक्वल टू 0 है नहीं क्योंकि 4 है यहाँ पे, एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल n, दिस इज 3 हियर, मतलब दोनों कोएफिशिएंट के वेरिएबल 0 नहीं है, सो दैट्स व्हाई थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब टू वेरिएबल्स भी हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 भी है एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने की वजह से क्या होगा, दिस इक्वेशन 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3x² - 7y = 13। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई इज दिस गिवन इक्वेशन इज इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट। यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये दिया हुआ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या फिर नहीं है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अगेन हम अपने तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट टू वेरिएबल्स, नाउ सी हियर, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, x भी है y भी है, दो वेरिएबल यहाँ पर प्रेजेंट हैं, सो फर्स्ट कंडीशन ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 0, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, बट हमारे कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल टू 1 होता तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो इसके लिए हमें अदर कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर वो इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहा है तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। सो आंसर Given equation is not a linear equation in two variable. Given equation is not a linear equation in two variable. Why? Because highest power is 2 here. Clear? Next question देख लेते हैं. Question number third. √2x - √5y = 16. Now we have to identify is this given equation is linear equation in two variables or not. ये हमें identify करना है यहाँ पे। First condition हम check करेंगे two variables equation में available है क्या, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, first condition satisfy कर रहा है। Next condition, highest power of variables is equal to 1. Now check the degree of variable, variable की degree क्या है, यहाँ पे x variable यहाँ पे y variable, दोनों variable की degree क्या है, first variable check किया हमने x की degree 1, नेक्स्ट y इज ऑल्सो 1 हेयर, y की डिग्री भी 1 है, सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई करा कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1, दोनों साइड में 1 है। नाउ थर्ड कंडीशन, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स नॉट इक्वल टू 0, नाउ x जो है वेरिएबल का इसका कोएफिशिएंट क्या है √2 एंड y का कोएफिशिएंट क्या है √5, √2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड √5 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों का वैल्यू 0 नहीं होता है, सो थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू 0 हियर, सो दैट्स वाई ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके लिए गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन टू वेरिएबल्स दिस इज द सॉल्यूशन। क्लियर, तीनों कंडीशन को चेक करके आइडेंटिफाई करते हैं, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन तो जो दिया हुआ इक्वेशन है दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देन गिवन इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इस तरीके से हम आंसर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 0x + 6y - 3 = 0, 0x
प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ सी हियर फोर्थ क्वेश्चन, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये इक्वेशन है या नहीं है. नाउ फर्स्ट कंडीशन, टू वेरिएबल्स, यहाँ पे टू वेरिएबल्स है क्या, x है y है, बट यहाँ पे 0 इंटू एक्स, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 0 इंटू एक्स. जब 0 के साथ में x का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा, मतलब ये कम्प्लीटली ये ओमिट हो जाएगा, इसको कम्प्लीटली हम ओमिट कर देंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ अब यहाँ पे इस इक्वेशन को चेक करेंगे हम, यहाँ पे ये इक्वेशन चेक करने के बाद में यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हो रहे हैं, यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल, यहाँ पे एक ही वेरिएबल हमें y दिखाई दे रहा है, x वेरिएबल क्योंकि कम्प्लीटली ओमिट हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो गया है 0 के साथ में और ये 0 हो गया है. 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल होने की वजह से ये फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. इसके लिए क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये होगा कि नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, नहीं. आंसर गिवन इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स. रीजन में क्या डाल सकते हैं, ओनली वन वेरिएबल y, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल y है, इसके लिए गिवन इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th मैंने नहीं किया, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे घर पे ट्राई कीजिए और जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, 4x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. ये हमें आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है. यहाँ पे वेरिएबल, सबसे पहला कंडीशन वेरिएबल चेक करते हैं कि टू वेरिएबल्स है या नहीं है. फर्स्ट वन में यहाँ पे वेरिएबल x है, y है, यहाँ पे भी y है, मतलब दो वेरिएबल हैं. फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 1. नाउ सी हियर सेकंड कंडीशन जो है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे x y दोनों वेरिएबल एक साथ में हैं, x का पावर 1 है, यहाँ पे y का भी पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, बट ये मल्टीप्लीकेशन टर्म है, यहाँ पे x पावर 1 इंटू y पावर 1. तो x वेरिएबल का एंड y वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो 2 हो जाएगा. तो ये इस तरीके से ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेकंड कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके लिए दिस इक्वेशन इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यहाँ पे x y की डिग्री मिलकर कितनी हो जाएगी, दैट इज 2. दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है. आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू.